प्लीज वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है आज आप लोगों को इस वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को वीडियो देखने में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो आज की वीडियो जो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है, आप वीडियो को पूरी देखना। तो ये रात का टाइम है और ये है कुल्थ की दाल। कुल्थ मतलब हमारे उत्तराखंड में इसको गहत बोला जाता है। ये दुकान के हैं, अपने खेत के नहीं है, लेकिन हैं अच्छे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैं इनको निकाल लेती हूँ एक थाली में और इनको मैं सुबह बनाने वाली हूँ। अभी तो मैं भिगाऊंगी इनको बिन के अच्छे से। और ये ना पथरी की रामबाण दवाई है, बहुत अच्छी होती है और आगे मैं बताती जाऊँगी आप लोगों को। तो ये बस थोड़े से भिगाने होते हैं, इतने ही भिगाऊंगी बिन के और इनको भिगाऊंगी। और ये मैंने बिन लिए हैं और इनको मैं अब 3-4 पानी से धो लूँगी रगड़ के, क्योंकि दुकान के हैं, दवाई वाई होती है ना। तो चलिए पहले मैं इनको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए 3-4 पानी से मैंने इनको अच्छे से धो लिया और अभी मैंने डाल दिया है इसमें 2 गिलास पानी। गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है। और अब मैं सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले आप लोगों को सुबह सुबह की राम राम। और कैसे हो आप सब लोग? आज मैं राम राम बोल रही हूँ और राम नाम तो हमारे सांसों में बसा हुआ है तो है ना, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहा चुकी हूँ, आज बाल धोए हैं मैंने और थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं, अच्छा लगता है, ताकि पूरा दिन फ्रेश फ्रेश जाए। और यह है संडे का ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं ना जो मंडुए का आटा था ना उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर ये देखिए काना पैर हिला रहा है और मैं थोड़ा सा बस ऐसे तैयार हो लेती हूँ नॉर्मल सा और फिर आप लोगों के साथ करती हूँ रेसिपी शेयर। आज मैं बाड़ी बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कंघी धो के ही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ना तेल लगा देते हैं कंघी पे पूरा। तो चलिए रेडी हो गई हूँ मैं। और हैप्पी संडे, बहुत बहुत हैप्पी संडे को, बहुत अच्छा लगता है ना। कई नए काम होते हैं, कई सारे नए काम होते हैं संडे को। तो चलिए अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए आप कि आप कैसे हैं, सब बढ़िया होंगे है ना ईश्वर की कृपा से। तो चलिए आज मैं अपने उत्तराखंड की ट्रेडिशनल डिश आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस डिश के बारे में मैं 2-3 दिन से आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसकी एक नई डिश आज मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बाड़ी और फाणो। तो बाड़ी और फाणो हमारे उत्तराखंड का बहुत ज्यादा फेवरेट सब लोगों का है। और वो कैसे बनाया जाता है, दादी नानी के टाइम पे बनाए जाते थे ऐसी डिशे, आजकल के बच्चे तो खाते नहीं है, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करूंगी। और बाड़ी तो मैं फर्स्ट बार बनाऊंगी, फाणो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ और बाड़ी में फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा मेरा। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं जला लूंगी यहाँ पे लाइट, लाइट जली हुई है। ये देखिए बच्चे यहाँ से ना कुछ भी खाने की चीजें निकालते हैं और उसको बंद नहीं करते, वैसे भी वो बंद तो होता नहीं है पर फिर भी बंद करने की कोशिश नहीं करते उसको। तो चलिए सबसे पहले मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ गहत और फिर बनाएंगे बाड़ी। क्या क्या प्रोसेस है सब शेयर करती हूँ। चलिए सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ कढ़ाई, लोहे की, लोहे की कढ़ाई में दोनों डिश बनेगी। तो और उनको साफ कर लेती हूँ थोड़ा सा, वैसे साफ करके रखी होती है मैंने, थोड़ा जंक होता है ना उनपे तो उनको मैं मान लेती हूँ। ये देखिए तो इनको मैं साफ कर लेती हूँ पहले। बाड़ी इसमें बनेगी, फाणो इसमें बनेगा। गाइस मैंने साथ के साथ चावल भी चढ़ा लिए हैं, फाणो के साथ चावल भी खाएंगे। तो ये रहे मेरे चावल, मैं खुले ही बनाती हूँ चावल पतीले में, पतीला जूठा है अभी, आज संडे है। सुबह से ना बहुत ज्यादा डस्टिंग वगैरह ये सब काम किया तो मैं फ्री अभी हुई हूँ। तो ये मेरे चावल बन जाएंगे यहाँ पर रखूंगी मैं गर्म पानी, बाड़ी के लिए भी और फाणों के लिए भी, खौलता हुआ पानी चाहिए उन डिश के लिए, दोनों डिश के लिए। पानी गर्म होने के लिए मैंने रख लिया है, अब निकालूंगी मैं मिक्सी से। पहले पीस लेते हैं गैत, मैं गैत दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये रहे गैत, 2-2 प्लेट किसने रखी इसमें, ये रहे गैत। और ये गैथ भीगे हुए गैथ ना, इनको जब हम खाएंगे जैसे कच्चे ऐसे भीगे हुए खाएंगे ना, तो ये पथरी की रामबाण दवाई, इनको हमारे उत्तराखंड में ना पथरी होती है ना, तो इसको खाते हैं सुबह सुबह भिगा के, ऐसे भीगे हुए भी खा सकते हैं, पथरी आराम से निकल जाती है। जो ये पानी है ना, तो इस पानी को भी पी सकते हैं। मेरे दादाजी पे पथरी थी, मेरे दादाजी पथरी होने के 25 या 30 साल बाद भी, 30 साल बाद तक भी जिए हैं इसी पानी को और इन्हीं गैथों को खा के, कच्चे गैथों को।
तो इस पानी को पहले मैं थोड़ा सा इसमें निकाल लेती हूँ, नहीं तो मिक्सी में ज्यादा पानी हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो सिलबट्टे में पीसा जाता है इनको, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। इनको ना ना ज्यादा दरदरा पीसना है और ना ज्यादा पतला पीसना है। तो गाइज अभी ये थोड़े से दरदरे नहीं हुए हैं, थोड़ा सा और पीसने की जरूरत है इनको। तो ये गैस अच्छे से पीस चुके हैं। फ्रेंड्स फाड़ों में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ छील ली हैं और अब मैं उनको कूट लूँगी। तो लहसुन मैंने कूट लिया है और अब मैं निकाल लेती हूँ इसको एक कटोरी में। चलिए अब कर लेते हैं बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर गर्म पानी जो फाड़ों के लिए रखा है मैंने, वो गर्म हो चुका है और थोड़ा सा अगर ज़रूरत है तो मैंने दूसरी गैस भी जला ली है। और अभी रख लेती हूँ मैं इस वाले गैस में कढ़ाई, और कढ़ाई को सोखने देते हैं अच्छे से। लोहे की कढ़ाई में ये बहुत अच्छा बनता है और लोहे की कढ़ाई में तो आयरन होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर साथ साथ में सारी चीज़ें बन रही है और इधर मैं फाड़ों चढ़ा लेती हूँ, उधर चावल बन रहे हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है और अब मैं डाल देती हूँ इसमें सरसों का ऑयल। हम सरसों का ऑयल ही डालते हैं, सरसों के ऑयल में ये बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड कर लिया है और इसमें जो कुटा हुआ लहसुन था वो भी ऐड कर लिया है। इसको थोड़ा सा भुनने देंगे, ब्राउन होने तक हम इसको भुनेंगे। तो ये देखिए लहसुन से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें फाड़ों में। चलिए यहाँ पर लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब मैं डाल देती हूँ फाड़ों जो पिसे हुए हैं गहत। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिए हैं, इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ये देखिए। और अभी मसाले ऐड कर लेते हैं, और मसाले इसमें सिंपल पड़ते हैं, हल्दी मिर्च और नमक और सब्जी मसाला। तो इसमें बाकी दूसरी चीज़ और कुछ नहीं पड़ती है। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी मसालों के साथ, क्योंकि इसको अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए नहीं तो कच्चापन रह जाएगा। और अच्छे से भुनने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें गरम पानी। तो गरम पानी इसमें ऐड होता है, थोड़ा सा ये जो मिक्सी में रहा था उसको भी मैं डाल देती हूँ। और जो पानी मैंने निकाला था ना भिगाए हुए गैथों से, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, ऐड कर दिया है। तो धीरे धीरे करके इसको डालेंगे, क्योंकि ये थिक सा हो जाता है और फूलते हैं गहत, मतलब थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे सोयाबीन बड़ी फूलती है ना, तो सेम ऐसे ही होते हैं ये। तो बस अब मैंने जितना पानी ऐड करना था कर लिया है। अब मैं गैस को कर दूंगी मीडियम और ये 7-8 मिनट में बन जाएगा। इसको ज़्यादा नहीं पकाते हैं, तो बस इसको ऐसे छोड़ दूंगी मैं पकने के लिए। तो इधर हमारे चावल भी बन रहे हैं साथ के साथ में, बन गए हैं चावल। गैस ऑफ कर देती हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पर फाड़ू भी बनके रेडी हो चुका है। तो मैंने हरा कटा हुआ धनिया इसमें डाल दिया है और ये बहुत टेस्टी फाड़ू बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए फाड़ू तो बन गया है, अब बाड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर बाड़ी बनाने के लिए मैंने छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, और पानी भी गर्म हो चुका है। तो जो गर्म पानी है ना मैं इसमें डाल दूंगी, इसी तरीके से बाड़ी बनती है। वैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, लेकिन मैंने परसों अपनी दीदी को भी देखा था और अपनी दादी को भी मैं देखती थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मंडुए का आटा कौन सा होता है। तो ऐसा होता है मंडुए का आटा, ये देखिए ब्लैक ब्लैक सा, थोड़ा सा मतलब ब्राउन ब्राउन सा। तो इतना मैं निकाल लूँगी कटोरी में। और जैसे बाजरा होता है ना सेम वैसे ही होता है, लेकिन वो काले दानों वाला होता है। हमारे उत्तराखंड में बहुत होता है मंडुआ। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया है कटोरी में, और पानी भी थोड़ा सा कम हो चुका है। तो खोलने के बाद पानी इतना रह गया है और डाल दिया है मैंने मंडुए का आटा इसमें। और अब बनाएंगे हम बाड़ी, और इसको आटा डालते ही छोड़ना नहीं है, खूब घोटना है, बहुत अच्छे से घोटना है, बहुत ताकत लगती है इसमें। और ज़्यादा गीला नहीं करना है, मतलब लिमिट से पानी डालना है धीरे धीरे करके। वैसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था पहले ही पानी, लेकिन अंदाज होना चाहिए कि कहीं गीला ना हो, तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पर गीला नहीं होना चाहिए। इसमें ना कुछ भी दूसरी चीज़ नहीं पड़ती है, बस इसी तरीके से बनाना है, इसी तरीके से खाना है इसको। बस बन चुका है, रेडी हो चुका है, और ये बहुत लाभदायक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इतनी ताकत मिलती है ना इससे, मैं क्या बताऊँ। इतना परफेक्ट बना दिया ना मैंने, इतना परफेक्ट, इतना सा भी कम ज्यादा पानी नहीं पड़ा इसमें गाइस। ये देखिए बस
बन गया, हो गया। और गैस को कर देते हैं ऑफ। तो गाइस चलिए इसको अब सर्व कर लेते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को बाड़ी खा के दिखाती हूँ। इसको ना ऐसे खाते हैं। मैं नहीं खाना। पुराने जमाने में जब सास ना बहुओं को खाना नहीं देती थी ना, तो ऐसे ही खाती थी बहू। ऐसे खाते इस तरीके से ये तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और हमारे उत्तराखंड के जो डिश हैं फाणू और बाड़ी आप लोगों को कैसे लगे वो भी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, माफ़ कीजिएगा।